हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर के 50 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपके KVS, NVS और DSSB, इसके अलावा जितने भी स्टेट्स के TGT और PGT के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें काम आएंगे। और इन सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी है फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, मतलब जो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं वो इसमें आएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सारे के सारे 50 क्वेश्चंस पेपर्स से उठाए हैं, ठीक है ना। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपके ये क्वेश्चंस एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकते हैं, फंस सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिवल पीरियड often in a gloomy castle replete with dungeons, subterranean passages and use of ghosts and mysteries in is called, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा फिक्शन जो कि मेडिवल पीरियड में, ठीक है ना, मेडिवल पीरियड मतलब आप ये कह लीजिए 18th से लेकर 19th सेंचुरी तक का पीरियड, ठीक है, इस पीरियड में बना हो, मतलब हो, ठीक है, कासल्स में उसको उसकी सेटिंग हो। उसकी सेटिंग कहाँ हो? कासल में। ग्लूमी मतलब थोड़ा सा डरावना, ठीक है, और उसमें डंजन्स हो। डंजन्स क्या होते हैं? कह लीजिए अंडरग्राउंड रूम्स, ठीक है ना, जो प्रिजन्स के लिए यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉरिडोर्स हैं उसमें बहुत लंबे लंबे, ठीक है ना, और उसमें घोस्ट की स्टोरी हो सकती है या फिर किसी तरह की मिस्ट्री होती है, तो उस तरह के नॉवेल्स को क्या बोलते हैं? गॉथिक नॉवेल, ठीक है, गॉथिक नॉवेल। सेकेंड क्वेश्चन है, लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड ग्रामर फैक्ट्स इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? जो मतलब पोइट्स जो होते हैं वो अपनी लाइन्स लिख लेते हैं, कई बार राइमिंग बनाने के लिए वो वर्ड को आगे पीछे कर देते हैं, उनको ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करने होते हैं और इलॉजिकल बातें बोल देते हैं कभी कभी, या फिर ये कह लीजिए कि जो रियल वर्ल्ड से बाहर की बातें होती हैं उसको बोल देते हैं, मगर वो बोल देते हैं कई बार, तो इस उनकी इस फ्रीडम को क्या बोलते हैं? पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट है, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन वेकिंग माइंड इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब वेकिंग माइंड में, ठीक है, जागते हुए दिमाग में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा थॉट्स का और अवेयरनेस का क्या चल रहा है? एक अनब्रोकन फ्लो चला जा रहा है, कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, और इसको इसके डी एच लॉरेंस इसके बहुत अच्छे पोइट मतलब राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, तो इनको मतलब इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इनकी कमांड थी, बहुत अच्छी अच्छी नॉवल्स लिखते थे, वुमेन एंड सन्स एंड लवर्स इस तरह करके बहुत सारी नॉवल इनकी, ठीक है। नाउ कथारसिस इज परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, ठीक है। कथारसिस क्या होता है? कि ये होता है किसी तरह का परगेशन, परगेशन मतलब कह लीजिए कि निकल जाना, क्या आपका इमोशन किसके फियर ऑफ पिटी का, ठीक है। ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में ये वर्ड काफ़ी यूज़ हुआ है, ठीक है ना, कि मतलब उसका मतलब हमको पिटी और फिर देख के हमारा खुद का, ठीक है, हमको कथारसिस फील हुआ कि हाँ हमारा कह लीजिए कि पूरा का पूरा डर और जितना भी अंदर का दुख था वो बह गया, निकल गया, ऐसे समझिए, ठीक है। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, पहली बात तो मैं बता दूँ, डिस्टोपिया जो टर्म है ये एक टर्म है यूटोपिया, यूटोपिया इसका एंटोनिम है। यूटोपिया क्या होता है? जिसको बोलते हैं कि देखिए डिस्टोपिया का मतलब है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है, तो बस अब यूटोपिया का क्या मतलब हो जाएगा? प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कि ये कह लीजिए जैसे अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलें तो रामराज, जहाँ पर क्या हो सब कुछ एकदम अच्छे से चले, ठीक है, रामराज, ठीक है। अब ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो ऐसे इसको 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 इमेजिन किया था किसने? थॉमस मोर ने, थॉमस TH OMAS मोर MOORE, ठीक है, थॉमस मोर ने बोला कि यूटोपिया कभी कभी इस्टेब्लिश कभी ना कभी इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, मगर फिर उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल ने एक नावल लिखी 1984, ठीक है, और इसके बाद एल्डस हेक्सले ने भी एक नावल लिखी ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है। इन दोनों नावलिस्ट ने दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, डिस्टोपिया ही रहेगा, ठीक है, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खराब खत्म हो जाएगा एक दिन। नाउ हु कॉइंड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म किसने मतलब कॉइंड किया है, ठीक है, किसने बनाया है? तो इसका आंसर है TS Eliot ने। नाउ द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल्स, ठीक है, वर्किंग क्लास, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो मतलब प्रोलेटेरियन नॉवेल्स कौन सी होती हैं, ठीक है, जिसमें उसकी थीम होती है वर्किंग क्लास, इसमें जो मेन कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो वर्किंग क्लास होता है, सर्विस मैन बोल लीजिए या फिर जो मिडिल क्लास आदमी होता है वो, ठीक है ना। नाउ अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, ठीक है, आई रिपीट अनचेंज्ड,
जिसमें कोई बदलाव नहीं आता थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड फ्लैट कैरेक्टर, ठीक है। और जिसमें बदलाव आता है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसको बोलते हैं राउंड कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, ठीक है। ये मतलब एक कह लीजिए कि ये बुरा था तो वो अच्छा हो गया, ठीक है, या फिर वो अच्छा था और उससे नीचे आके बुरा हो गया, ठीक है, ये समझ जाइए, ठीक है। उसको बोलते हैं राउंड, मतलब किसी न किसी कैरेक्टर की तरफ में चेंज आएगा, मगर फ्लैट कैरेक्टर्स वो एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। वो फ्लैट कैरेक्टर्स मोस्टली मेन कैरेक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता, वो स्टोरी के मेन कैरेक्टर नहीं बनते हैं। नाउ व्हाट इज क्लोजर ड्रामा? क्लोजर ड्रामा क्या होता है? बेसिकली वो ऐसे ड्रामाज होते हैं जो लिखे जाते हैं इसके लिए लिखे जाते हैं कि उनको पढ़ा जाए, ना कि उनको इनैक्टमेंट किया जाए, ठीक है। ड्रामा टू बी रीड, नाउ टू बी रेड, सॉरी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोग्राफी क्या होता है? द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर होल्ड द सेकेंड प्लेस, ठीक है। ये बात किसने बोली थी? एरिस्टोटल ने बोली थी। अब बात क्या बोली थी इन्होंने कि प्लॉट जो होता है वही फर्स्ट प्रिंसिपल होता है और वही सोल होता है, किसका? ट्रेजेडी का। मतलब कि आप अगर आप कोई ट्रेजेडी ड्रामा लिख रहे हैं तो उसमें आप प्लॉट को अपने मेन चीज़ मानिए, ठीक है, कहानी को अपनी, ठीक है, उसके बाद आप कैरेक्टर को सेकंड प्लेस पर रखिए। अगर आप प्लॉट को अपने दिमाग पर रख के लिखेंगे तो कैरेक्टर अपने आप डिज़ाइन हो जाएंगे। ये बात किसने बोली थी? एरिस्टोटल ने बोली थी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सिजूरा इन पोएट्री? पोएट्री में सिजूरा क्या होता है? सिजूरा एक तरह का पॉज होता है, इट्स अ पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा, ठीक है। एंड एलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन एन आयम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है। एलेक्जेंड्राइन क्या होता है? एक तरह की वर्स लाइन होती है, एक तरह की पोएट्री की किसी कोई एक लाइन होती है जिसमें कितने मीटर्स होते हैं? 6 मीटर्स होते हैं, और ये आयम्ब होता है। आयम्ब मतलब कि एक स्ट्रेस्ड, उसके बाद अनस्ट्रेस्ड, फिर एक बार स्ट्रेस, फिर उसके बाद एक अनस्ट्रेस, फिर एक बार स्ट्रेस, फिर एक बार अनस्ट्रेस, ऐसे करके, ठीक है, उसको बोलते हैं आयम्ब। नाउ द वर्ड सैडिज्म इज डेराइव्ड फ्रॉम नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर, ठीक है। एक वर्ड होता है सेडिज्म। सेडिज्म क्या होता है? एक तरह की नॉवेल होते हैं या फिर कह लीजिए मेंटेलिटी होती है जिनको प्लेजर आता है किसमें? पेन में, ठीक है। वो किसी का भी पेन हो सकता है, वो दूसरे के दर्द में भी अपने आप को खुशी फील करते हैं और कई बार वो खुद को पेन देते हैं तो उनको फिर मज़ा आता है, ठीक है। ये एक फ्रांस के एक इरोटिक राइटर थे, ठीक है, सेक्सुअल नॉवेल लिखते थे, तो उनका नाम था मार्क्विस डी सेड, उनके नाम पे बना था, ठीक है। तो सैडिज्म वहाँ से वर्ड इजाद हुआ है ना। द ओबिसेंट मोटिव मीन्स, ठीक है, तो ओबिसेंट एक तरह का कह लीजिए कि इमेजिनरी टूल होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वेयर आर दे फार्मूला, ठीक है, कहाँ गए वो लोग। ये इस तरह करके हम लोग अपने पास्ट के बारे में जब लेमेंट करते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओबिसेंट मोटिव, ठीक है, एक ऐसा ओबिसेंट बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस सिग्निफाइंग, अच्छा ये जो एक वर्ड आया है मिथ, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज के माइथोस वर्ड से बना है, और इसका मतलब क्या होता है? अ स्टोरी और प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड, ठीक है, यानी एक स्टोरी होगा या प्लॉट होगा, ये सही भी हो सकता है और इन्वेंटेड भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। नेक्स्ट, द टर्म फॉर द नॉवेल इज मोस्ट इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज इज, ठीक है, मतलब मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में नॉवेल के लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है? नॉवेलेट, नॉवेलेट टर्म यूज़ होता है। इसका मतलब बेसिकली होता है अ शॉर्ट नॉवेल, ठीक। नाउ पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन इन 1856, ठीक है। पैथेटिक फैलेसी एक फ्रेज है जिसको किसने इन्वेंट किया था? जॉन रस्किन ने। अब इसका मतलब क्या होता है? पैथेटिक फैलेसी ये बोलीजिए कि हम कई बार इनएनिमेट, जिनमें लाइफ नहीं है, ऐसी चीज़ों में, यानी पर्सोनिफिकेशन कह लीजिए, कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये बोला कि डांसिंग लीव्स, डांसिंग लीव्स, LEAVES। नाउ अब लीव्स कभी भी डांस नहीं कर सकती है, मगर हम लोग जो कैरेक्टर है उसका मूड दिखाने के लिए हमने ये बोल दिया, ठीक है। या बोलेंगे हम लोग कभी एंग्री, एंग्री सी, अब सी कभी एंग्री नहीं हो सकता है, मगर फिर भी हाँ, हम लोग ने ये दिखाने के लिए कि हाँ सी में बहुत सारे मतलब तूफान वगैरह आ रहा था, तो हमने एक ऐसा एडजेक्टिव यूज़ किया जो कि सी के लिए कभी यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोएटिक फैलेसी। नाउ हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू, ठीक है, हीरोइक ड्रामा बेसिकली कब लिखे गए थे? तो वो रेस्टोरेशन पीरियड में लिखे गए थे, ये याद रखिएगा आप। द पुलित्जर
prize is awarded by Columbia University in memory of Joseph Pulitzer, a publisher. ठीक है, पुलिजर प्राइज कौन देता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है. वहाँ का एक पब्लिशर था, उसका नाम था जोसेफ पुलिजर, उसकी याद में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पन. वर्ड इज पन. पन क्या होता है? एक फनी वर्ड होता है. ये कह लीजिए कि जब हम लोग वर्ड्स में प्ले करते हैं और उसके बाद वर्ड्स में हम लोग कोई फन ढूंढते हैं तो उसको पन बोलते हैं. नाउ वर्ड्स वर्ड्स लिब्रे, ये क्या होता है? ये ओपन फॉर्म है किसकी? पोएट्री की. पोएट्री की ये ओपन फॉर्म है. ठीक है, इसमें कोई मीटर नहीं होता है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, इसकी लेंथ भी ऊपर आगे पीछे होती रहती है, कोई लाइन बड़ी होती है, कोई लाइन छोटी होती है. इसको वर्ड्स लिबर बोलते हैं. नाउ द ओरिजिनेटर एंड नेबर ऑफ डी कंस्ट्रक्शन. ठीक है, मॉडर्न पोएट्री में डी कंस्ट्रक्शन वर्ड बहुत चल रहा है. ठीक है ना, तो इसको कॉइन किसने किया था, इसको ओरिजिनेट किसने किया था? तो उसका नाम है जैकेस डेरिडा. जैकेस डेरिडा ने किया था. नॉवेला इज अ टर्म फ्रॉम इटली. ठीक है, नॉवेल वर्ड बेसिकली नॉवेला से आया है, और ये वर्ड कहाँ से आया? इटली में यूज होता था, इटालियन लैंग्वेज से. इपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट. इपिक आपको सबको पता होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य. नाउ एक्ट. एक्ट इज अ मेजर डिविजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले. ठीक है, ये प्ले में को डिवाइड करते हैं एक्ट में, और एक्ट डिवाइड होता है किसमें? सीन्स में. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोजिंग अ लेटर टू अ क्लोज रिलेटिव. अच्छा, क्लोज रिलेटिव, अब इसका मतलब क्या हो गया? लेटर कैसा बन गया? इनफॉर्मल. हम लोग ऑफिशियल को तो लिख नहीं रहे, अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, और रिलेटिव्स के हम लोग हमारे क्या होते हैं? वो अफेक्शनेट होते हैं, प्यार करते हैं उनको. ठीक है, तो योर्स रिलेटिव. अच्छा, मैं उस पर आप ध्यान देना दिला दूँ आपका. बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, वाई ओ यू आर के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, या फिर यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, तो ये गलत होता है. ठीक है ना, वाई ओ यू आर एस डायरेक्ट लिखते हैं. नाउ द सोनेट इज पोएम ऑफ 14 लाइन्स. सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है. क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज फॉर्म ऑफ ड्रामा. क्लासिकल ट्रेजेडी क्या था? ये एक तरह का ड्रामा होता था. एलिजी क्या होती है? अ पोएम ऑफ सॉरो. वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. ठीक है, राइटिंग का सबसे लेटेस्ट फॉर्म बेसिकली क्या है? वो है नॉवेल. ठीक है, मतलब पोएट्री बहुत सालों से लिखी जा रही है, बहुत सेंचुरी से लिखी जा रही है, उसके बाद ड्रामा लिखना शुरू हुआ, मगर नॉवेल सबसे लास्ट में याद हुआ. अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? पोएम होता है. मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें एक आदमी बोलता है. ठीक है, ये एक तरह की पोएम होती है. रॉबर्ट ब्राउनिंग इसके बहुत ही मतलब मास्टर थे, कह लीजिए रॉबर्ट ब्राउनिंग. इनकी मोस्टली पोएम्स ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है. क्रिएशन दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट. ठीक है, अब ऐसा क्रिएशन जो कि क्या है, किसी एक्शन का इमिटेशन हो, बहुत ही सीरियस और कंप्लीट हो, उसको ट्रेजेडी बोलते हैं. एंड इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन और प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क. ठीक है, किसी तरह का हम लोग जब उसको इंडिकेट करते हैं तो उसको रेफरेंस लेते हैं, तो उसको एल्यूजन बोलते हैं. नाउ अ फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद अ पॉपुलर स्टोरी. अच्छा, अब ये समझिए, उसको बैलेड बोलते हैं. अब हम लोग में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो कि फोक सॉन्ग में, जैसे कि हम लोग में कहानी चलती है गोरा बादल की कहानी. ठीक है, या फिर आल्हा उदल की कहानी. तो इस तरह की कहानियाँ जो होती हैं, जो कि वर्बली एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैल रही है, जा रही है. ठीक है, या फिर मतलब वो फोक सॉन्ग्स होते हैं, कह लीजिए. ठीक है, तो उसको बैलेड बोलते हैं. डिनोमेंट इज रिलेटेड टू. डिनोमेंट क्या होता है? डिनोमेंट होता है कि जब ये समझ लीजिए कि कहानी का जब कहानी रिजॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए मतलब रिजोल्यूशन के पहले क्या होगा, रिजॉल्व करने से पहले क्या आया होगा? क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स के बाद स्टोरी में ये समझिए डिनोमेंट आता है, जब चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएं. पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्लाइमैक्स, फिर उसके बाद डिनोमेंट आता है. ठीक है, प्ले में जब मतलब चीज़ें एकदम अपने पीक पे हों तो क्लाइमैक्स होता है, और क्लाइमैक्स के बाद जब सेटल हो जाए सारी चीज़ें तो उसको डिनोमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट, एंड एक्लॉग. एक्लॉग क्या होता है? एक तरह का पेस्टोरल ड्रामा होता है, पेस्टोरल पोएम होती है, इसको बोलते हैं. पेस्टोरल क्या होता है? रस्टिक. रस्टिक मतलब ये कह लीजिए रूरल. ठीक है, इसमें हम लोग शीप्स के बारे में, शीप मिल जाएगी हम लोग को, इसमें हम लोग को काउ बॉयज मिल जाएंगे. ठीक है, या फिर हम लोग को इसमें हर्ड्स मिल जाएंगे, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो जो गाँव की चीज़ों को शो करता है उसको बोलते हैं पेस्टोरल. ठीक है, सिमली. सिमली क्या होता है? एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच होती है. टू कॉल, टू यूज़ अनदर पर्सन्स थॉट राइटिंग एज वंस ओन
एज वंस ओन इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। ठीक है, जब हम किसी के आइडियाज़ को या किसी की क्रिएशन को चुरा लेते हैं और उसको बोलते हैं कि ये हमारा है, हमने लिखा है, तो उसको प्लेगराइज करते हैं, इसको साहित्यिक चोरी बोलते हैं किसी तरह का। पोइट हु कॉइंड द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, उसको कॉलरिज ने, वो पोइट जिसने टर्म इजाद किया क्या, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ये कॉलरिज ने किया था और ये किया था 1817 में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड को चलिए तोड़ते हैं। विलिंग मतलब जानबूझकर क्या करना, सस्पेंड कर देना किसको, अपने डिसबिलीफ को। ठीक है, मतलब अपने डिसबिलीफ की जो हम लोग की कैपेबिलिटी होती है ना, जब हम लोग मान लेते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, मगर अपने इस क्वालिटी को क्या कर लेना, सस्पेंड कर देना। और ये हम लोग कब कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने एक मूवी देखी, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स RIX। ठीक है, अब मैट्रिक्स मूवी में बहुत ही फालतू की चीज़ें दिखाई हैं, मतलब रियल लाइफ में वो हो नहीं सकता, मगर अब वो मूवी में ऐसे दिखाया है कि मैंने मान लिया कि हाँ यार ये तो सही में बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सही हो रहा है, मतलब ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मूवी आई थी रावण, ठीक है, अब रावण में शाहरुख खान ने जो कुछ भी किया है, हमने उसको क्या कर लिया, अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड कर दिया, हमने विलिंग कर लिया, विलिंगली हमने मान लिया कि हाँ वो सही कर रहे हैं, मतलब सही दिखा रहा है जो दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, ST कॉलरिज ने किया था, कब किया था, 1817 में। ठीक है, ST कॉलरिज एक रोमांटिक पोइट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द चौसेरियन स्टेंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेज ऑफ। चौसेरियन स्टेंजा, जिसको दूसरा नाम है राइम रॉयल, ठीक है ना, इसको में कितने स्टेंजाज होते थे, कितनी लाइंस होती थी, वो उसका आंसर है 7 लाइंस होती थी इसमें। ठीक है, अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एग्जॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस और ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन ए राइटर स्ट्राइविंग फॉर ए नोबल एंड पैथेटिक अचीव्स द लूडिक्रस इज कॉल्ड वॉट। ठीक है, अब चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, मतलब अचानक से क्या कर रहा है, डिसेंट कर रहा है, डिसेंट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है, कहाँ से, एग्जॉल्टेड मतलब बहुत ही हाई क्लास से कहाँ पे चले आना, कॉमन प्लेस पे चले आना, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बातें करने लगना। कब, स्पेशली कब, जब भी राइटर क्या कर रहा हो कि वो बहुत एक नोबल और पथेटिक नोबल्स की बात कर रहा हो। ठीक है, और फिर उसके बाद कहाँ पे अचीव कर रहे, अचीव क्या कर ले, वो पथेटिक एंड लिडिक्रस, एकदम मजाकिया और मतलब कह लो चीप क्लास की बातें। ठीक है, इसका तो उसको क्या बोलते हैं, बैथोस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली कहिए तो पैथोस का जस्ट अपोजिट है। पैथोज मतलब जो दुख से उसके बाद क्या होता है, उसको नीचे बोलते हैं, ये समझ लीजिए। इसको आप कॉमिक रिलीफ भी बोल सकते हैं, कॉमिक रिलीफ इससे थोड़ा सा अलग होता है। अ डिफेक्ट इन अ ट्रेजिक हीरो, ठीक है, ट्रेजिक हीरो में एक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल शुरू होता है, और उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हेमरशिया। ठीक है, ये जैसे कह लीजिए कि ओवर एम्बिशन किसका था, मैकबेथ का, कि उसको राजा बनना था जल्दी से जल्दी। ठीक है, और ये कह लीजिए अनडिसाइसिवनेस, कि मर्डर करना है कि नहीं करना है, बदला लेना है कि नहीं लेना है, ये हैमलेट का था, तो उसकी हैमर्शिया थी है। ठीक है, उसका एक तरह का फ्लॉ था, उसके अंदर की एक कमी थी। ठीक है, नाउ द पोएट्स पोएट किसको कहा जाता है, एडमंड स्पेंसर को। नेक्स्ट कैम्ब्रिज स्कूल, ये एक तरह का क्रिटिक्स का ग्रुप था। ठीक है, कब, 18th 20th सेंचुरी में, उसको कैम्ब्रिज स्कूल क्रिटिक या पोएट्स बोलते थे। कथारसिस, कथारसिस मैंने अभी डिस्कम बताया हुआ है आपको। ठीक है, ये रिलेटेड है किससे, ट्रेजेडी से, ट्रेजेडी होने के बाद ही हमको कथारसिस फील होती है। कोरस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ ड्रामा। नाउ कॉमिक रिलीफ क्या होता है, वो देखिए, एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी के बीच में हम लोग एक ह्यूमरस एपिसोड मिलता है। ठीक है, अब जैसे मैकबेथ में हम लोग को पोल्टर सीन मिलेगा, पोर्टर सीन। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है किसकी, किंग की, मिनिस्टर्स की, ठीक है ना, और मतलब कह लीजिए अर्ल की, काउंट्स की, मतलब हाई क्लास लोगों की, और बीच में कौन आ गया, बीच में एक पोल्टर आ गया। ठीक है, ये एक तरह का कह लीजिए कि कॉमिक रिलीफ था, बैथोस था। अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल, ठीक है, एक छोटी सी कहानी जिसमें किसी तरह का मॉरल मिले, उसको क्या बोलते हैं, पैरेबल बोलते हैं। ठीक है, ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक किसको रिफ़र करता है, ठीक है, मैंने अभी बताया था, इसका इसका समझ आइए, दूसरा नाम इसका है पेस्टोरल, पेस्टोरल। ठीक है, पेस्टोरल मतलब रिलेटेड टू शीप, रस्टिक और रूरल। ठीक है, इन सबको शो करता है। ठीक है, जैसे कि आप थॉमस हार्डी का प्ले ले सकते हैं, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड,
ठीक है, तो ये कैसा प्ले है, मतलब ये कैसे ड्रामा है जिसमें हम लोग गांव, मतलब शहर से हट के गांव की तरफ की स्टोरी है, वहाँ पे नॉर्मल जो वहाँ पे जो लाइफ होती है उसको डिस्कवर करते हैं। नाउ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह की आपकी वीडियो लाऊं तो आपको बहुत पहचान, बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।